बिहार में मुख्य विपक्षी दल और विपक्षी महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अपना प्रतिबद्धता पत्र प्रमोशन में आरक्षण देने का उसने वादा किया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने का वादा किया। उन्होंने कहा है कि मंडल कमीशन के मुताबिक आरक्षण देने की बात कही है। राजद नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रतिबद्धता पत्र जारी करते हुए कहा है कि अगर सरकार में उनकी भागिता होती है तो 2021 में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। उन्होंने कहा है कि दलितों पिछड़ों को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, साथ ही प्रवासी बिहारियों के लिए हेल्पलाइन भी की जाएगी। तेजस्वी यादव ने कांग्रेस की न्याय योजना का समर्थन किया। इसके अलावा 2021 में जाति आधार पर जनगणना कराने का ऐलान किया। घोषणा पत्र में निश्चित अवधि में खाली पड़े हुए सरकारी पदों को भरने की बात की गई और बिहार से पलायन को रोकने के लिए दुरुस्त व्यवस्था करने का वादा भी किया गया। तेजस्वी ने कहा कि अगर उनकी सरकार में सहभागिता हुई तो हर थाली में खाना और हर हाथ में कलम होगी। सबसे बड़ा उद्देश्य उनका यही है। उन्होंने पार्टी ऑफिस में प्रतिबद्धता पत्र जारी करते हुए कहा कि अगर अपने किए गए वादों के प्रति वे प्रतिबद्ध हैं और सरकार बनी तो वे इसे जरूर पूरा करेंगे।